नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। और अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024-25 में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो इतिहास का हमारा सीरीज़ रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर CGPSC प्री 2024-25 को एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम आप देंगे उसके लिए भी, तो जितने भी डेटा यहाँ, मतलब जितने भी फैक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे, सब अभी लेटेस्ट का जो भी 22-23 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और 24 में भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे उन सबको यहाँ पर मैं इंक्लूड करते जाऊँगा। हम सीधा आ जाते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हमको यहाँ पर अब शुरू करना है। तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, इतिहास को अब यहाँ पर हम तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम यहाँ पर अब, छत्तीसगढ़ के इतिहास नहीं, पूरे इतिहास को ही तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक या फिर प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक देखते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको प्री हिस्ट्री बोलेंगे। साइड में अगर इंग्लिश मीडियम वाले कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पर लिख सकते हैं, इसको प्री हिस्ट्री बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग आद्य ऐतिहासिक देखते हैं जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, और इसके बाद आता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक काल ऐसे। तो अब यहां पर देखो, ये तीन काल हम लोग यहां पर देखें छत्तीसगढ़ के इतिहास में, एक तो प्राग ऐतिहासिक है, फिर आद्य ऐतिहासिक है, फिर ऐतिहासिक है। ठीक है, मतलब कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीन प्रकार से, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास हम लोग यहां पर बांट लिए। अब इसके बाद देखो, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, सिंपल सा प्राग ऐतिहासिक काल जब भी आप सुनेंगे तो दिमाग में लाइएगा पाषाण काल। ठीक है, जो पाषाण काल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहा जाता है। तो एक तो अब इसको ये ध्यान देना है कि कब से कब तक, ठीक है, कब से कब तक को हम बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल, कब से कब तक को बोलेंगे। तो प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब जब से इंसान पैदा हुए हैं, इंसान का जन्म हुआ पृथ्वी में, जब आए हैं, मतलब कि प्रारंभ से लेकर के, PC। ठीक है, प्रारंभ से लेकर के 2500 BC तक की ये प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब कि आद्य ऐतिहासिक काल है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कि यहाँ पर जो 2500 BC अपन जो देख रहे हैं, पच्चीस सौ बीसी से लेकर के, ठीक है, 1500 BC। अब यहाँ पर 1500 से लेकर के, 1500 से लेकर के आगे जो भी अभी इधर देखने वाले हैं, 1500 से लेकर के पूरा इस प्रकार से 1947 तक के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास अभी पढ़ेंगे ना, तो 1947 तक हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये 1500 BC है। ठीक है, 1500 से लेकर के इस प्रकार से ईस्वी तक हम जाएंगे, मतलब कि AD तक जाएंगे, मतलब कि 1947 AD तक जाएंगे। ठीक है, ये AD है, तो यहाँ पर ईसा पूर्व में थे, ईसा पूर्व, और यहाँ पर ईस्वी तक पहुँच गए, मतलब कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के यहाँ पर 1947 ईस्वी तक, इस प्रकार से है। चलो इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1947 तक के जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय तक का, तो ये हमारा ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं जो वैदिक सभ्यता है वहाँ से। ठीक है, ऐतिहासिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना ऐतिहासिक काल, तो हम लोग वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम तीन भागों में बांटे हुए हैं, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें पाषाण काल, मुख्य रूप से जो पाषाण काल है वही चीज़ इसमें पढ़ा जाता है।
ठीक है, ये पाषाण काल को हमको इसमें पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो सिंधु घाटी था नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ में इसका कोई विस्तार नहीं था, मतलब इसका विस्तार नहीं था, इसका कोई विस्ताक्ष नहीं मिला है, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग आद्य ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। अब ये जो ऐतिहासिक है, इस ऐतिहासिक में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम वैदिक सभ्यता से शुरू करते हैं, है ना। वैदिक काल से शुरू करेंगे, वैदिक काल मतलब कि वैदिक काल में हम लोग पहले क्या देखते हैं, ऋग्वैदिक काल देखते हैं, ऋग्वैदिक काल देखेंगे, उत्तर वैदिक काल देखेंगे, ये सबको देखते जाते हैं। फिर इसके बाद रामायण महाभारत देखते हैं इसी में, रामायण काल पढ़ेंगे, महाभारत काल पढ़ेंगे। इसके बाद और क्या देखेंगे, फिर सीधा पहुंच जाते हैं मौर्य वंश, यहाँ पर जैन और बौद्ध को और लिखें, जैन धर्म देखते हैं, जैन पढ़ेंगे, बौद्ध पढ़ेंगे, फिर मौर्य पढ़ेंगे, है ना, मौर्य वंश पढ़ेंगे, फिर गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। लेकिन मौर्य के बाद यहाँ पर एक दो और है, जैसे कि हम लोग सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं, सातवाहन देखते हैं, वाकाटक देखते हैं, फिर गुप्त देखते हैं, इस प्रकार से और जो भी है ये सबको आगे हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। गुप्त के बाद और जितने भी स्थानीय राजवंश हैं वो सब आते जाएंगे, है ना, बहुत सारे वंश आएंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या और क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हम कलचूरी वंश के बारे में बात करें, कलचूरी वंश के बारे में बात करेंगे, मराठा की बात करेंगे, अंग्रेज़ की बात करेंगे, है ना। इस प्रकार से लास्ट तक हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो 1947 तक हमको यहाँ पर आना है, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको लिखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से देख लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का इतिहास है। अब छत्तीसगढ़ के देखो इतिहास में हमको सबसे पहले शुरू क्या कर देना है, पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल है इसको हमको अब यहाँ पर विस्तार से समझते हुए जाना है। देखिए, तो पाषाण काल को हम क्या करेंगे, पाषाण काल को भी यहाँ पर अब चार भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को अब चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। इसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, पूर्व पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज। और इसके बाद यहाँ पर पूर्व पाषाण के बाद क्या आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण के बाद यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर पाषाण काल आएगा, उत्तर पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, नव पाषाण काल। ठीक है, ये पूर्व पाषाण काल मतलब कि पैलियोलिथिक एज है, और ये मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज इसको बोलते हैं। फिर ये उत्तर पाषाण काल है, इसको पोस्ट पैलियोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उत्तर पाषाण काल को।
या फिर पोस्ट स्टोन एज कह सकते हैं, पोस्ट स्टोन एज, और यहाँ पर नियोलिथिक, ठीक है। नवपाषाण को क्या, नवपाषाण काल को क्या बोलेंगे, नियोलिथिक बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये पाषाण काल को पांच चार भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है, ठीक है। प्रारंभ में आप देखो यहाँ पर प्रारंभ में जितने भी यहाँ पर पूर्व पाषाण काल के जितने भी साक्ष्य हमको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा है तो कहाँ कहाँ पे है उसको हमको मुख्य रूप से याद करना होता है, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जगह पाषाण काल से संबंधित है, मतलब पूर्व पाषाण काल से संबंधित, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर उस जगह से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सब के बारे में पूछ देगा। जैसे कि सिंधु घाटी, सॉरी, ये जो सिंघनपुर की गुफा है कोरबा में, सॉरी रायगढ़ में जो सिंघनपुर की गुफा है, चंवारा ढाल जो देखते हैं वहीं पर सिंघनपुर की गुफा है, तो सिंघनपुर की गुफा में जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसकी खोज किसने किया था, कब खोज किया गया था, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको यहाँ पर देखते हुए जाना है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें जो पूर्व पाषाण काल है उन सब में अगर हम कौन कौन सा स्थान है अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंघनपुर की गुफा, ठीक है। पहला क्या आता है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा है, तो ये पहला सिंघनपुर की गुफा हो गया। सिंघनपुर की गुफा के बारे में कुछ कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, ये एक तो कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो रायगढ़ जिला में चंवर ढाल की पहाड़ी, ठीक है। रायगढ़ मतलब एक चंवर ढाल की पहाड़ी है, इसको ऐसे लिखेगा, चंवर ढाल की पहाड़ी पर, ये चंवर ढाल की पहाड़ी आपका यहाँ सक्ती से लेकर के सक्ती कोरबा रायगढ़ ये सभी में फैला हुआ है ना, तो चंवर ढाल की पहाड़ी, चमर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, रायगढ़ में, ठीक है, चमर ढाल की पहाड़ी पर ये रायगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज 1910 में एक अंग्रेज हैं एंडरसन नाम से, एंडरसन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, एंडरसन, इन्होंने किया था, ठीक है। द्वारा खोजा गया, ऐसे लिख लीजिए यहां पर, द्वारा खोज एंडरसन के द्वारा क्या किया गया है, इसका खोज किया गया है 1910 में, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेगा, यहां पर जो भी शैल चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां से जो भी शैल चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं वो मैक्सिकन और स्पेनिश जो मूर्तियाँ होती हैं उसी के समान वहाँ पर दिखते हैं। मतलब यहाँ सिंघनपुर गुफा से जो भी मूर्ति या फिर जो भी शैल चित्र वगैरह मिले हैं वो सभी क्या है, मैक्सिकन और स्पेनिश जो मूर्तियाँ हैं उसी के समान हमको दिखाई पड़ती है ये, ठीक है। मतलब यहाँ के मैक्सिकन मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान के समान दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से आगे आप लोग लिख सकते हैं, के समान दिखाई पड़ती है, मतलब दिखती है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि सिंघनपुर गुफा में जो भी वहां पर हमको शैल चित्र वगैरह जो देखने को मिल रहा है, शैल चित्र और वहां पर जो मूर्तियां, वो सभी ये जो मैक्सिकन व स्पेनिश, ठीक है, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैक्सिकन और स्पेनिश जो मूर्तियां हैं उसी के समान ये दिखाई पड़ती हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछा जाएगा, सिंघनपुर की गुफा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन गुफा क्या है, तो सिंघनपुर की गुफा, सबसे प्राचीन
गुफा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हम लोग देखते हैं सिंघनपुर की गुफा के बारे में। अब दूसरा जगह क्या है, ठीक है, पहला जगह तो सिंघनपुर की गुफा देख लिए, और अब दूसरा जगह देखिए। तो अब इसके बाद याद रखेंगे, एक तो बोतलदा याद रखेंगे, है ना, ये बोतलदा, और इसके बाद याद रखेंगे भंवरखोल, किसी किसी बुक में यहाँ पर बोतलदा नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बोतलदा आपको लेकर के चलना है। तो भंवरखोल है ना, दूसरे तीसरे नंबर पर क्या है, भंवरखोल, ये सभी रायगढ़ में है, रायगढ़ में सारे के सारे जो जगह लिखना हो सभी है, ठीक है। तो बोतलदा हो गया, भंवरखोल हो गया, और इसके बाद एक लिखे गीधा, गीधा, इसके बाद यहाँ पर लिखेगा गीधा, फिर सोनबरसा, सोन सोनबरसा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, छापा मारा, छापा मारा, इस प्रकार से ये सभी जगह है जो कि क्या है, पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। अब यहाँ पर ये बोतलदा के बारे में याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, ठीक है। बोतलदा क्या है, सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी गुफा। अब ये जो भी स्थल हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, सभी के सभी कहाँ हैं, रायगढ़ में हैं, ठीक है। सभी के सभी कहाँ हैं, रायगढ़ में है, और ये सभी क्या चीज़ है, पूर्व पाषाणकालीन जगह है, ठीक है। पूर्व पाषाणकालीन स्थल में क्या क्या, सिंघनपुर की गुफा है, बोतलदा है, भंवरखोल है, गीधा है, सोनबरसा है, छापा मारा है। अब इनको याद रखने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर बना लेंगे, है ना। मैं जैसे कि हमेशा क्या बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि पानी में इस प्रकार से, यहाँ पर ये पानी है, इस प्रकार से समुद्र है मानकर चलिए, तो कभी कभी क्या होता है, इसमें भंवर पड़ जाता है, मतलब भंवर बनता है ना, ऐसे गोल 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 घूमता है भंवर, ऐसे पानी में भंवर बनता है, तो उसे याद रखेंगे भंवरखोल, ठीक है। उसे क्या याद रहेगा, भंवरखोल याद रहेगा। अब इसमें याद रखेंगे एक बोतल इस प्रकार से घूम रहा है, एक ऐसे एक बोतल बना लेंगे, पानी का जो बॉटल होता है ना, तो वही वाला ऐसे बोतल इसको बनाएंगे, ये ऐसे, अब ये बोतल गोल 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 वहाँ पर ऐसे घूम रहा है। अब इसको देखता है एक चील, ठीक है, ऊपर से एक गिद्ध, चील नहीं गिद्ध याद रखेंगे, ऐसे एक गिद्ध है, एक पक्षी है जो कि क्या करता है, ऊपर से इसको देख रहा है, इसकी निगाहें यहाँ पर इसमें पड़ती है बोतल में। अब बोतल में इसकी मतलब कि नज़रें पड़ती हैं, ठीक है। ये गिधा याद रखेंगे, गिद्ध से या क्या याद रखेंगे, गिधा याद रखेंगे, भंवर से याद रखेंगे, यहाँ पर भंवर जो बन रहा है वो बोतलदा, मतलब कि वहाँ पर बोतल फंसा हुआ है वो, और गिधा तो समझ में आ गया, यहाँ पर गिद्ध इस प्रकार से वहाँ पर उसको देख रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। मछली को जैसे पकड़ता है ना, वैसे यहाँ पर बोतल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कौन, गिद्ध, ठीक है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसी समय क्या हो जाती है, सोन वर्षा हो जाती है, सोने की बारिश हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से सोने की जब बारिश होती है तो ये जो गिद्ध है वो मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मारा जाएगा, ठीक है। तो ये छापा मारा याद रखेंगे, लास्ट में छापा मारा, मारा जाता है, तो सोने की बारिश हुई और गिद्ध क्या हो गया, मारा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको आप लोग सिंपल सा बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हम क्या देखा हम लोगों ने, भंवर खोल, ठीक है, ये भंवर खोल है, यहाँ पर भंवर बन रहा है पानी में। फिर क्या देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक बोतल है, ठीक है, बोतलदा है, फिर यहाँ पर एक ऊपर में गीधा है, गीधा इस प्रकार से देख रहे हैं, गीधा, फिर सोन बरसा, सोने की बारिश हो जाती है, फिर यहाँ पर छापा मारा, ठीक है, तो छापा मारा जाता है गिद्ध। चलो, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने इसको समझा। अब इसके बाद देखिए नवपाषाणकालीन जगह, सॉरी मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले तो याद रखेंगे कालीपुर, ठीक है, क्या याद रखेंगे, कालीपुर है, ठीक है। अब इसका याद रखेंगे कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ से पहले एक और लिखे गए यहाँ पर, इसको भी हम लोग ट्रिक यहाँ पर जब जमाएंगे ना, कुछ कहानी में बनाऊंगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो पहले कालीपुर है, और इसके बाद याद रखिएगा गढ़ चंदेला, ऐसे गढ़ चंदेला, ठीक है। गढ़ चंदेला के बाद याद रखेंगे कबरा पहाड़, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन जगह है, ऐसे इसको अच्छे से याद रखेंगे। कबरा पहाड़ के बारे में और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, कबरा पहाड़ की विशेषताएं कुछ कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि
जो कबरा पहाड़ है उसमें लाल रंग के बहुत सारे चार पैर वाले जानवरों के वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि छिपकली हो गया, घड़ियाल हो गए, तो वैसे टाइप के जो जीव जंतु हैं उन सब के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, है ना, चार पैर वाले जीव जंतु, चार पैर वाले जीव जंतु। चार पैर वाले जीव जैसे कि छिपकली, छिपकली, घड़ियाल, इस प्रकार से दीवार में इन सबका चित्र बना है और लाल रंग में, लाल गेरुआ रंग में इसका चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से चार पैर वाले जो जीव जंतु हैं उन सबके साक्ष्य हमको यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ पत्थरों के औजार के चित्र हमको यहाँ पर देखने से मिले हैं, ठीक है, यहाँ से पत्थरों के औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, जैसे कि उन औजारों का नाम भी यहाँ पर, जैसे कि कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी, पत्थरों के कुल्हाड़ी, ठीक है, पत्थरों के कुल्हाड़ी, लंबे फलक वाले औजार, लंबे फलक वाले औजार, ये सब याद रखेंगे। मतलब कि पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं अगर पूछा जाएगा ना, इस प्रकार से कुल्हाड़ी या फिर पत्थर के कुछ कुछ औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लंबे फलक वाले, चौड़े फलक वाले, जो जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कबरा पहाड़ को, ठीक है, कबरा पहाड़ इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर एक तो कालीपुर देखे थे, देखो यहाँ पर जो अपन बात किए थे ना पूर्व पाषाण काल, ये सभी रायगढ़ में था, ठीक है, सभी रायगढ़ में। अब यहाँ पर ये जो अपन लिख रहे हैं ये कालीपुर, ये गढ़ चंदेला, ये सभी मतलब ये दोनों कहाँ हैं, ये बस्तर में है, ठीक है, दोनों कहाँ हैं, बस्तर में हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है ये रायगढ़ में है, ठीक है, इसको आप लोग साइड साइड में नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो वहाँ पर साइड में आप लोग उसको लिखते जाएंगे, ये कालीपुर कहाँ है, बस्तर में है, गढ़ चंदेला भी बस्तर में है, कबरा पहाड़ है रायगढ़ में, ठीक है। इसके बाद आगे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर कालीपुर हो गया, गढ़ चंदेला हो गया, कबरा पहाड़ हो गया, और इसके बाद और क्या क्या है, राजपुर, ठीक है, राजपुर को भी लिखेंगे यहाँ पर, राजपुर ये भी बस्तर में है, ठीक है, राजपुर भी कहाँ है, बस्तर में है। तो इतने पॉइंट हैं यहाँ पर, ये मध्य पाषाण काल का है, इतना काफ़ी है। मध्य पाषाण कालीन स्थल में क्या क्या है, कालीपुर है, गढ़ चंदेला है, कबरा पहाड़ है, राजपुर है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये काला राजा है, ठीक है, एक राजा है, क्या है वो, बहुत काला है, और वो चंदेल राजा है, ठीक है, क्या है, चंदेल राजा, और उसका जो शरीर है वो चितकबरा है, कबरा, ठीक है, चितकबरा, कहीं कहीं दाग धब्बा इस पर करते हैं ना वाइट वाइट कलर का, तो क्या रहेगा, चितकबरा। और वो राजा क्या है, ये राजा है राजपुर, याद रखेंगे, ठीक है, काला रंग का राजा राजपुर, ऐसे लास्ट में इसको लिखते हैं, इसको हालांकि शुरू में लिखना चाहिए था, तो काला राजा जो कि क्या है, चंदेल राजा है, और वो क्या है, बहुत चितकबरा है। तो मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है वो यहाँ पर आप देख लिए। इसके बाद आप देखिए उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही जगह को याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है महानदी घाटी, और दूसरा है धनपुर, एक तो याद रखेंगे धनपुर, ठीक है, धनपुर ये गौरेला पिंडरा मरवाही में है, ठीक है, कहाँ है ये, गौरेला पिंडरा मरवाही, JPM, ये ऐसे। और दूसरा यहाँ पर महानदी घाटी, महा नदी घाटी, ठीक है, ये रायगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र है, महानदी घाटी, तो महानदी घाटी के ही आसपास में क्या मिला है यहाँ पर, ये जो उत्तर पाषाण काल जो साक्ष्य है वो हमको प्राप्त हुए हैं। तो महानदी घाटी और धनपुर, गौरेला पिंडा मरवाही, इसको रायगढ़ लिख सकते हैं। चलिए, तो ये उत्तर पाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आता है नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में क्या क्या है, तो नवपाषाण काल में देखिए एक तो है अर्जुनी, लेकिन अर्जुनी से पहले एक दो जगह और है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे कि देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल तक जितने भी जो मनुष्य हैं, मतलब जो आदि मानव है, वो मध्य पाषाण काल तक आते आते स्थायी निवास और कृषि करना सीख गए थे, मतलब सॉरी पशुपालन करना सीख गए थे, कृषि यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पशुपालन लिखेंगे, है
है ना, पशुपालन धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कबरा पहाड़ है वहाँ से हमको कुल्हाड़ी, लंबे फलक वाले औजार वगैरह ये सब देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि पशुओं का ये क्या करते थे, मतलब कि शिकार करते थे, तो पशुपालन भी वहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर ये पशुपालन यहाँ तक सीख गए थे मध्य पाषाण काल तक, कि कुल्हाड़ी वगैरह जो भी है पशुओं का शिकार करने के लिए यहाँ पर इसको उपयोग करते थे। उत्तर पाषाण काल तक हम लोग पहुँचते हैं, उत्तर पाषाण काल के बाद यहाँ पर ये जो नवपाषाण काल है यहाँ तक जब पहुँचते हैं नवपाषाण काल में, तो इस समय धीरे से जो आदि मानव है वो कृषि करना सीख जाते हैं। नवपाषाण काल तक क्या हो जाते हैं, वो कृषि करना सीख जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कृषि करना सीख गए, भोजन पकाना सीख गए, पहिया चार पहिया जो है ना वाहनों वगैरह में पत्थरों का चार पहिया बनाकर वहाँ पर वो चार पहिया बनाना सीख गए थे। ये धीरे 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 नवपाषाण काल तक इस प्रकार से वो लोग सीखे जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये चीज़ देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज किसने की थी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर सिंघनपुर की गुफा में ये एंडरसन ने 1910 में, ठीक है, सबसे पहले शैल चित्रों की खोज की थी सिंघनपुर गुफा। पूर्व पाषाण काल का सबसे पहला स्थान इसी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो देखो नव पाषाण काल में जितने भी जो जगह है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, एक अर्जुनी, लेकिन अर्जुनी से पहले जो और इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। पहले आप लिखेंगे उंगना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी अभी कोई एग्जाम एक हुआ था उसमें ये पूछा गया है, 2023 से 22 या 23 का एग्जाम है, 2023 से 23 या फिर 22 का एग्जाम है, ओंगना। ठीक है, ओंगना, और इसके बाद यहाँ पर भैंसगढ़ी, ठीक है, ओंगना हो गया, भैंसगढ़ी देख लिए, है ना। अब इसके बाद लिखेंगे अर्जुनी, ठीक है, ये दोनों रायगढ़ में है ना, ध्यान देंगे, ये दोनों कहाँ हैं, रायगढ़ में है, ये अर्जुनी बालोद में है, बालोद में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चितवा डोंगरी, ठीक है, चितवा डोंगरी भी बालोद में है, लेकिन इसको एग्जाम में राजनांदगांव इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे या तो बालोद रहेगा, ठीक है, बालोद में है, एक्चुअल में देखेंगे तो बालोद में है, लेकिन एग्जाम जब हुआ था तो उसमें आंसर लिया गया है राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव के करीब में भी है, राजनांदगांव से थोड़ा सा नज़दीक में है, तो इसमें राजनांदगांव भी लिख सकते हैं। तो बालोद देखिएगा, पहले बालोद है तो ठीक है, नहीं तो फिर राजनांदगांव लेना है। ठीक है, चितवा डोंगरी देख लिए, इसके बाद लिखेंगे बोन टीला, ठीक है, बोन टीला ये भी राजनांदगांव में है, ऐसे लिख लीजिए, मैं राजनांदगांव सिंपल आरजेवश लिख दिया हूँ। चलिए, अब इसके बाद क्या है, चितवा डोंगरी हो गया, एक लास्ट बचा है टेरम, टेरम ये रायगढ़ में है, रायगढ़ में। राजनांदगांव, ठीक है, चलो इस प्रकार से हुआ। अब देखो यहाँ पर हमको अब किसके बारे में जानना है, ये चितवा डोंगरी के बारे में है ना, चितवा डोंगरी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो चितवा डोंगरी है, फिलहाल ये चितवा डोंगरी कहाँ है उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, तो चितवा डोंगरी राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव या फिर बालोद में है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब चितवा डोंगरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो जो चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसमें एक ड्रैगन की आकृति का चित्र है, ठीक है, ड्रैगन की आकृति का चित्र। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, जो यहाँ चितवा डोंगरी में जो भी शैल चित्र वगैरह की जो खोज किया है, तो उसमें एक भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र ये दो नाम आता है, ठीक है, एक
भगवान सिंह बघेल का नाम आता है। भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दो नाम को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी शैलचित्र वगैरह प्राप्त हो उसकी खोज किसने की है पूछा जाएगा, तो ये दो नाम याद रखेंगे, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। और यहाँ पर जो शैलचित्र प्राप्त हुए हैं उसमें एक दो शैलचित्र ऐसे हैं जिसमें ड्रैगन की आकृति है, ठीक है, ड्रैगन की आकृति वाला यहाँ पर शैलचित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। ड्रैगन की आकृति वाला यहाँ पर क्या हुआ है, शैलचित्र की प्राप्ति हुई चितवा डोंगरी की जो गुफा है उसमें। तो इस प्रकार से ये दो तीन चीज़ें जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे कि जो नवपाषाणकालीन जो भी जगह है उसमें यहाँ पर देखेंगे तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र यही दो वैज्ञानिक मतलब कि दो खोजकर्ता हैं जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में खोज किया जा रहा है। चितवा डोंगरी वगैरह के बारे में इनको जानकारी प्राप्त मतलब इकट्ठा किए हैं, जानकारी इकट्ठा किए हैं। तो अगर यहाँ पर चितवा डोंगरी ना देकर के यहाँ पर सीधा दे देगा क्या, नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है। नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में किन्हों कौन कौन खोज करता है, तो यहाँ पर ये भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ये दो नाम को याद रखेंगे। चलिए तो इस प्रकार से ये हम लोग क्या देखे, पाषाण काल को यहाँ पर कंप्लीट किए। पाषाण काल के बाद अब आता है, ठीक है, पाषाण काल के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि क्या क्या है। अब एक आता है यहाँ पर महापाषाण काल, ठीक है, ये सबको अलग से ऐसे लिखेंगे। क्या आता है महापाषाण काल, ठीक है। तो जो महापाषाण, एक मिनट यहाँ पर, हाँ महापाषाण काल आता है। तो ये महापाषाण कालीन हमारे छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्थल है, तो यहाँ पर दो जगहों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से जगह है, एक तो याद रखना मल्हार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, मल्हार है, ठीक है। और दूसरा है टेंगना, ठीक है, मल्हार तो पता होगा बिलासपुर में है, और दूसरा है टेंगना, टेंगना, ठीक है। तो दो जगह है जो कि क्या है, महापाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। टेंगना रायगढ़ में है, टेंगना रायगढ़ में, और मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर रायगढ़ लिख लीजिए, ठीक है। बाकी तो बिलासपुर आपको ये जो मल्हार है वो तो पता होगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग अपना नोट्स अगर बना रहे होंगे तो उसमें आप लोग लिखते जाएंगे। तो ये महापाषाणकालीन स्थल हम लोग देख लिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, महापाषाणकालीन स्थल के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ताम्र लौह युगीन सभ्यता, ताम्र लौह युगीन सभ्यता हम लोग काल देखते हैं, ताम्र लौह काल या फिर युग लिख सकते हैं, ताम्र लौह युग। तो ताम्र लौह युग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब तांबे का खोज धीरे से हुआ तो तांबे के औजार वगैरह बनाते मतलब बनाना वहाँ पर धीरे से शुरू किया गया, बर्तन वगैरह बनाना धीरे से आगे चल करके वो आएगा। तो ये ताम्र लौह युगीन जो सभ्यता की जब शुरुआत हो रही थी, मतलब कि यहाँ पर पाषाण काल समाप्ति के कगार में था, और इस समय ताम्र लौह युगीन सभ्यता का नाम दे दिया था, जिस समय धीरे से जो तांबे वगैरह का खोज हो जाती है उसके बाद। तो इस समय का कुछ कुछ जगह है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, एक तो याद रखेंगे गढ़ धनौरा, है ना, गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा, ठीक है, गढ़ धनौरा। अब इसमें इसके बाद एक जगह, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने एक अर्जुनी देखा था ना, वहां यहां पर भी लेना, ठीक है, अर्जुन अर्जुनी, ठीक है। एक तो गढ़धनौरा हो गया, दूसरा अर्जुनी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको भी लिख लेना है। अर्जुनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी और बहुत सारी चीज़ें हम उसको देखने वाले हैं। अर्जुनी हो गया,
और इसके बाद बालोद में कुछ कुछ जगह है, जैसे कि यहाँ पर अर्जुनी तो रायगढ़ में हो गया, गढ़धनौरा कोंडागांव में देखते हैं। ठीक है, ये गढ़धनौरा कहाँ है, ये कोंडागांव में है। अर्जुनी हम लोग रायगढ़ में, सॉरी अर्जुनी कहाँ देखते हैं, एक मिनट, अर्जुनी को बालोद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, बालोद में देखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रायगढ़ में नहीं, बालोद में। अर्जुनी को बालोद में आपको लेना है और गढ़धनौरा कोंडागांव में लेना है। तो ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद का जो जगह है वो यहाँ पर फिर से अब जो लिखने वाले हैं वो बालोद में आने वाले हैं। ठीक है, अर्जुनी कहाँ है, बालोद में। तब इसके बाद वाला जो चीज़ें आएंगी वो सभी आएगा बालोद में। जैसे कि यहाँ पर एक तो देखेंगे करका भाटा, करका भाटा से पहले लिखेगा इसको, मैं यहाँ पर एक कहानी आपको बताऊंगा, उसे रिलेट करना पड़ेगा। तो अर्जुनी, तो इसके बाद लिखेगा चिरचारी, चिरचारी। ठीक है, चिरचारी। और इसके बाद करका भाट, करका भाट। ठीक है, करका भाट या फिर करका भाटा भी लिखाता है, लेकिन करका भाट लिखेगा आप लोग, करका भाट। ठीक है, तो गढ़धनौरा, अर्जुनी, चिरचारी, करका भाट, और इसके बाद है सोरर, एक लिखे करही भदर पहले लिखे। ठीक है, करही भदर, करही भदर को हमको बीच में लिखना चाहिए था, तब ये कहानी बन पाता। करही भदर, फिर इसके बाद लिखे यहाँ पर सोरर, सोरर ऐसे। तो क्या क्या देख लिए, गढ़धनौरा। तब यहाँ पर देखो कैसे कहानी बनाना है आपको, जो अर्जुन है, अर्जुन ये क्या करते हैं, धन की चोरी करते हैं। ठीक है, चोरी मतलब क्या, चिरचारी से याद रखेंगे। ठीक है, चोरी ऐसे बन जाएगा, तो चिरचारी से चोरी याद रख लेंगे। तो अर्जुन क्या करते हैं, धन की चोरी करते हैं। ठीक है, ऐसे चारी से चिरचोरी। और ठीक है, चोरी कर, चोरी कर यहाँ पर ऐसे। तो अर्जुन क्या करते हैं, चोरी करते हैं, धन की चोरी करते हैं, और उसके बाद शोर करते हैं। ठीक है, कर ही शोर ऐसे देखो, कर ही शोर मतलब कि अर्जुन क्या करेगा, धन की चोरी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कर ही शोर, मतलब कि बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि धन के कर ही ऐसे, कर ही वैसे, कर ही ऐसे टाइप जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कर ही शोर, कर ही शोर मतलब कि चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, ऐसा टाइप का, मतलब किसने चोरी कर लिया, किसने चोरी कर लिया, ऐसे टाइप के। तो अर्जुन खुद धन का चोरी करेगा और चोरी करने के बाद क्या करेगा, वो शोर मचाएगा। ठीक है, शोर करेगा, तो कर ही शोर ऐसा टाइप का। तो गढ़धनौरा हो गया, अर्जुनी हो गया, चिरचारी हो गया, करका भाट हो गया, करही भदर और सोरर। तो इस प्रकार से पाषाण काल का हम लोगों ने ताम्र लौह युग जो युग है, मतलब ताम्र लौह युग है, उसको भी यहाँ पर कंप्लीट किया। चलिए अब देखो यहाँ पर और याद रखेंगे, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ताम्र लौह युगीन जो काल है वहाँ पर ये जितने भी जगह यहाँ पर देखे हैं ना, ये सभी जगहों से हमको पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जितने भी जगह यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गढ़धनौरा, अर्जुनी, चिरचारी, करका भाट, करही भदर, यहाँ से पाषाण घेरे, ठीक है, इन सभी जगह से क्या प्राप्त हुआ है, पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ पर इस प्रकार से उनको जमीन में दफना करके वहाँ पर एक इस प्रकार से पत्थर के एक उसका निशानी वहाँ पर लगाए देते थे। ठीक है, पत्थर के इस प्रकार से यहाँ पर हम दफनाए बोल करके उसको निशानी वहाँ पर लगाते थे। और बहुत मतलब ऐसे भी मान्यता है कि उसको अपने घर के ही सदस्य के रूप में वहाँ पर उसको देखते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके पूर्वज जो भी हैं वहाँ पर उनको दफनाया गया है या फिर उनका वहाँ पर जलाया गया है। तो वहाँ पर एक पत्थर को गाड़ करके इस प्रकार से उसकी पूजा अर्चना जो भी करना है वो किया जाता था। तो यही बहुत सारे अगर इकट्ठा वहाँ पर अगर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से अगर वहाँ पर पत्थरों को मतलब पत्थरों के घेरे अगर प्राप्त हो रहे हैं, उसी को पाषाण घेरे बोल देते हैं। ठीक है, तो पाषाण घेरे ये सब जो भी जगह है, जैसे कि ये चिरचारी हो गया, करका भाट हो गया, करही भदर हो गया, सोरर हो गया, सभी बालोद में है। तो इन सभी जगह में हमको पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी कौन से युग के हैं, ताम्र लौह युगीन युग का हमको ये देखने को मिलता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो पाषाण काल है इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग वैदिक काल को शुरू करेंगे।